नहीं सर, इस मूवी के बारे में हमें थोड़ा बता दीजिए। अभी तो संदीप जी ने आपको सब कुछ बता दिया। प्रेम प्रेम होता है, चाहे हिंदू मुसलमान को हम या मुसलमान हिंदू का, सिख ईसाई, एक्स वाई जेड, इस इंडिया में, भारत देश में तो हर तरह के, हर जात के लोग रहते हैं, हर प्रांत के लोग बॉम्बे में रहते हैं, तो प्रेम प्रेम होता है, उसमें कोई वो छीटा कसी या वो करने वाली बात तो होती नहीं है। सर, कोई मैसेज जो आप देना चाहें हमारे व्यूवर्स को? और मैं यही चाहूँगा कि फिल्म बनने के बाद दर्शक देखें और इससे एक सीख लें कि मतलब प्रेम प्रेम होता है, न किसी प्रांत से बंधा होता है, न किसी जात पात से बंधा होता है। थैंक यू सर। एज ए DOP इसमें काम कर रहा हूँ और काफ़ी फिल्में की है मैंने, करीबन 400-450 फिल्में हो चुकी है हर लैंग्वेज में, लेकिन मराठी लैंग्वेज, मराठी इंडस्ट्री का एक बड़ा अच्छा ये है कि कोई सब्जेक्ट रिपीट नहीं होता है, हर टाइम एक नया चीज़ ऑडियंस को देखने मिलता है, तो ये सब्जेक्ट भी मुझे बहुत अच्छा लगा और संदीप जी के साथ पहली बार जुड़ रहा हूँ, आई होप कि अच्छी फिल्म बनाए। सर, इस फिल्म के बारे में बात करें, ये सैराट का अगर कह जाए तो मिलती जुलती फिल्म है, इसका टाइटल भी मिलता जुलता है। नहीं, टाइटल मिलने जुलने से कुछ नहीं होता है, लेकिन सैराट एक अलग सब्जेक्ट था और ये एक अलग सब्जेक्ट है, एक अपने आप में एक सोच है एक डायरेक्टर की और उस सोच को कैनवस पे लाना वो मेरा काम। सर, बीइंग द DOP ऑफ द फिल्म, आपने कैसे कैसे शॉट्स लिए हैं? मैंने तो बहुत सारे शॉट्स लिए हैं, काफ़ी फिल्में हैं मेरी, उसमें आप एस जहांगीर के हिसाब से देखेंगे तो आपको मिल जाएगा सब चीज़। तो एक कैमरामैन का काम होता है कि डायरेक्टर और कैमरामैन एक हस्बैंड वाइफ होती है और उसके विजुअल विज़न को स्क्रीन पे लाना वो कैमरामैन का काम, तो मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मैं वही करूँ। एग्जैक्टली सर। सर, आपके एक्सपीरियंस कैसा रहा इस फिल्म को शूट करते टाइम? नहीं, अभी तो शूट होना बाकी है, अभी तो म्यूजिक म्यूजिक का मुहूर्त हुआ है और मे बी 15 तारीख से हम लोग फ्लोर पे जा रहे हैं, पूरी मेहनत करेंगे, देखते हैं आगे क्या फल मिलता है। ओके, कोई मैसेज आप फॉरवर्ड करना चाहें? कुछ नहीं, एक हम लोग जो बनाते हैं फिल्म, डायरेक्टर एक फिल्म को अपने बच्चे ऐसा पालता है, उसको बड़ा करता है, ऑडियंस के हाथ में होता है कि वो उसको किस तरह निभाए, बस यही है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। इंट्रोडक्शन, मेरा नाम मयूरेश अधिकारी है और ये फिल्म का मैं म्यूज़िक अरेंज कर रहा हूँ। ये फिल्म बहुत अलग किस्म की फिल्म है, ये हमारे लिए नई अपॉर्चुनिटी है, नया एक जज्बा है ये फिल्म बनाना, और इसके गाने हैं बहुत कलरफुल गाने हैं, उसमें एक गाना है जो बारात पे है, एक गाना है उसमें सैडनेस है, दूसरा गाना है वो बहुत हैप्पी है, तो बहुत कलर्स है, बहुत एक्सप्रेशन है, तो हम पूरी तैयारी के साथ कोशिश करिए कि हम बहुत वेरिएशंस दें, गाने बहुत अच्छे हो और हर एक गाना जो हम बनाएं वो हर किसी को रिलेट करे, हर एक लव स्टोरी को रिलेट करे, तो उस हिसाब से हम अभी आज मुहूर्त करें, तो भरत सिंह है जो हमारे रिदम अरेंजर है। हाँ, पूछिए। ओके सर, यू आर द रिदम अरेंजर ऑफ द फिल्म, ऑफ द सॉन्ग्स एक्चुअली, सो आप किस चीज़ को दिमाग में रख के कोई भी सॉन्ग के रिदम अरेंज करते हैं? एक्चुअली पहले गाने को हम लोग मतलब सिचुएशन क्या है कि मतलब कहाँ, मतलब जैसे सैड है या मतलब कैसा है, जैसे शादी में बजना है तो उसके लिए थोड़ा सा अलग टाइप का सैड का, तो उसको मतलब सिचुएशन में हम लोग पूछते हैं कि गाने का कि मतलब कि कैसा गाना है, उसका स्टोरी क्या है, थोड़ा तो हम मतलब उस हिसाब से हम लोग ये। ओके, सो आज हम एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो में भी बैठे हुए हैं, तो कहीं आज कोई एक सॉन्ग रिकॉर्ड होने वाला है? हाँ, आज पहला सॉन्ग हमारा चालू है, उस पर काम चालू है, हर एक गाना है उसमें, आजकल क्या होता है हर एक गाने में डिजिटली सब काम करते हैं, पर हमारी कोशिश ऐसी है कि जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, हमारा संगीत है, हिंदुस्तानी संगीत है, उसको बेकरार रख के हम लाइव इंस्ट्रूमेंट ज़्यादा यूज़ करें, तो हम पूरा आज लाइव रिदम सेक्शन कर रहे हैं, तो जो गाने का इम्पैक्ट हो, हर एक आदमी जो गाने के साथ खुद को कनेक्ट कर सके, क्योंकि हमारा संगीत होता है, कितना भी आप पब में जाओ, क्लब में जाओ, आप गाने सुनो, हनी सिंह सुनो, प्रीतम सुनो, पर जब भी हिंदुस्तानी म्यूज़िक की बात आती है तो हम बहुत
करीब से कनेक्ट हो जाते हैं. तो ये सब फिल्मों के गाने ऐसे ही हैं ये फिल्म के, कि जहाँ पे हर एक आदमी बहुत अच्छे से कनेक्ट हो सकता है. तो हम पूरे लाइव रिदम सेक्शन, फिर लाइव मेलोडी सेक्शन, ये सब करने वाले हैं, जिसमें फ्लूट है, बैंजो है, फिर ढोल है, ताशे है, ये सब चीज़ें हम बहुत अच्छे से इस्तेमाल करने वाले ये सब गानों में. सर, सॉन्ग्स आर द हार्ट ऑफ द लाइक द मूवी, क्योंकि सबसे ज़्यादा पहले सॉन्ग्स ही रिलीज होते हैं ताकि लोगों को अट्रैक्शन बढ़े. तो आपका ये जो फर्स्ट सॉन्ग आप रिलीज करेंगे, मतलब अभी तो सिर्फ शूट हो रहा है. तो आप हमें इस सॉन्ग के बारे में थोड़ा और डिटेल में बताएंगे. सॉन्ग के बारे में मैं अभी बताऊंगा तो थोड़ा ये हो जाएगा, मतलब आपका जो एक्साइटमेंट है वो कम हो जाएगा. जनरल ही बता दीजिए कि जनरल गाना है ऐसा है, बहुत एक तो बहुत ट्रिकी सिचुएशन है, तो इसमें काम करने में बहुत मज़ा आ रहा है. जनरली कैसे होता है कि लव एट फर्स्ट साइट होता है, तो कोई पहाड़ पे जाके नाच रहा है या फिर कोई वायलिन बज जाते हैं तो पीछे हम फिल्मों में जैसे दिखते हैं. पर ये यहाँ पे लव स्टोरी ऐसी है कि इतने क्योटिक एटमोसफेयर पे, जहाँ पे पूरी शादी की बारात जा रही है, वहाँ पे लव एट फर्स्ट साइट हो रहा है और वहाँ पे हीरो हीरोइन खुद को एक पहली बार देख रहे हैं. तो ये ट्रिकी सिचुएशन में, मतलब जहाँ पे जोश है, ताकत है, फिर भी रोमांस है. तो हर एक गाने में कुछ ना कुछ तो एक पिंक कलर है, वो पिंक कलर रख के हम लोग बहुत मजा करने वाले हैं. Okay. यही बता सकते हैं अभी तो. सर, कोई मैसेज आप देना चाहें? मैसेज तो जैसे संदीप सर ने कहा है कि लव, प्यार, मोहब्बत बहुत बड़ी चीज़ है. उसकी हम इज्जत ना करें तो वो हमें इज्जत नहीं दे सकती. तो कोई भी प्रांत हो, कोई भी धर्म हो, या भी कोई भी इंसान हो, उसकी मोहब्बत मोहब्बत ही होती है. उसके लिए आप कोई भी उसको फ्लैग, झंडा या कोई चौकट में नहीं बांध सकते. तो यही है मैसेज ये फिल्म का, और इसके हिसाब से हम वही जिस्ट रख के गानों में भी और म्यूजिक में भी, बैकग्राउंड स्कोर में भी वही कमाल कर देंगे. थैंक यू सर. थैंक यू सर.